हाँ जी स्टूडेंट्स, आज मैं थोड़े नाल शेयर करांगी प्लस टू क्लास के जनरल इंग्लिश के फस्ट मॉडल टेस्ट पेपर के क्वेश्चन आंसर। ये मैं तुम्हें दस दिनी हाँ 40 मार्क्स का तुम्हें एग्जाम आना, हर क्वेश्चन होएगा 1 मार्क का। ओके, फस्ट पार्ट होएगा थोड़ा, फस्टली होएगा रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तुम 10 क्वेश्चन दिते होने, आंसर करने ने पैरे रीड करके। ओके, फस्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। Who are the people who generally appear in the history books? केड़े लोग ने जो जनरली हिस्ट्री बुक्स च जिन्हां बारे लिखा जाता है। ठीक है, इहदा आपां पैरे च रीड करके देखते हैं। इहदे विच अपने कोल फस्ट लाइन च ही है, हिस्ट्री बुक्स आर ग्रेट कॉन्सिक्यूरस एंड जर्नल्स। ओके, सो आपां ऑप्शन देखते हैं। फस्ट ही ऑप्शन अपने कोल ग्रेट कॉन्सिक्यूरस एंड जर्नल्स, सो ए ऑप्शन होएगा अपना राइट आंसर। ये की करना, जो तो पैरे चुकी फाइंड करने ने क्वेश्चन आंसर, तो एक कीवर्ड चकना, उसनों देखना कि वह पैराग्राफ कितने है। ठीक है, उदे नाल मैच करके थोड़ा आंसर जल्दी मिल जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन, वाई इज़ फाइटिंग नॉट अ मार्क ऑफ सिविलाइजेशन? सिविलाइजेशन का मार्क क्यों नहीं है, फाइटिंग है जो सिविलाइजेशन के, जोड़े सिविलाइजेशन होंगे ने पीपल, सिविलाइज पीपल क्यों नहीं फाइट करते? यदा अपने को आंसर है, आप देखते हैं इतने फाउंड करते हैं, टू फाइंड इज़ नॉट सिविलाइज। आ देखो, मोरओवर देयर बेसिकल पीस एंड हैप्पीनेस हैव ब्राउट पीस एंड हैप्पीनेस टू मैनकाइंड। ओके, सो ये आप ऑप्शन देखते हैं, ये आसी सी ऑप्शन च अपने को, रियली सिविलाइज पीपल हैव बीन दोज हू हैव ब्राउट पीस एंड हैप्पीनेस टू मैनकाइंड। ओके, नैक्सट क्वेश्चन, Who are truly civilized? ये तुसी पैराग्राफ नू रीड करके आंसर करने ने, मैं तुहानू डायरैक्ट आंसर दस रही हूँ। ऑल ऑफ दीज इहदा आंसर है, प्रोफेट्स, संत्स, डॉक्टर्स। कौन ने जो ट्रू सिविलाइज्ड ने? इंजीनियर्स, आर्टिस्ट, ये ऑल ने जो इनवेंटर्स एंड डिस्कवर्स, जे वो सारे ने ट्रूली सिविलाइज्ड ने। ठीक है, ओके, अवर नैक्सट क्वेश्चन इज, वाई डू दे डिजर्व अवर एडमिरेशन एंड रिस्पैक्ट? वो क्यों अपनी डिजर्व करते हैं जो आप उन्होंने रिस्पैक्ट दें? ठीक है, बिकॉज दे आर दे ट्राई टू बिल्ड सिविलाइजेशन इंस्टैड ऑफ डिस्ट्रॉइंग। वो सिविलाइजेशन बनाने के लिए ज़्यादा योगदान देने की कोशिश करते हैं डिस्ट्रॉय करने की बजाय। इंस्टैड ऑफ इनफ्लैक्टिंग पेन एंड हार्डशिप अपॉन ह्यूमैनिटी दे हैव हेल्ड देयर वॉन्ड्स। इंस्टैड ऑफ किलिंग दे हैव सेव्ड ह्यूमन लाइफ बर्बाद मारन की बजाय वो सेव करते हैं। सो यह आंसर भी अपने को है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, हु इनफ्लिक्ट पेन एंड हार्डशिप अपॉन ह्यूमैनिटी? तो ये अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन, प्रोफेट्स, संत्स, डॉक्टर्स। सिक्स्थ क्वेश्चन, हु फाइट ब्रेवली? ब्रेवली फाइट कौन करते हैं? ये अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन, कॉन्करर्स एंड जनरल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, What needs to be done to inspire the new generation of our civilization? की जरूरत है नवी जनरेशन है जो सिविलाइजेशन अपनी न्यू जनरेशन इंस्पायर करने लिए? तो ये अपना राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ग्रेट प्रोफेशंस लाइक इंजीनियर्स, आर्टिस्ट, डॉक्टर्स, पेंटर्स, राइटर्स, इंटरप्रेनर्स, साइंस एटेक्सट्रा मस्ट बी एक्सप्लोर्ड एंड डिस्कवर्ड। ये ज़्यादा तो ज़्यादा बनाने चाहिए, खोजने चाहिए। ओके, देयर यूनिक कॉन्ट्रीब्यूट्स विच लैफ्ट एंड इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हिस्ट्री मस्ट बी डिस्कवर्ड। ठीक है, ऑल डिस्कवर्ड यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशंस शुड बी इंक्लूड इन द टेक्सट बुक ऑफ अवर स्कूल्स एंड कॉलेजेस टू इंस्पायर दैम। अपने स्कूल के नोटबुक्स भी उन्होंने टैक्सट बुक्स भी मैनशन करना चाहिए कि उन्होंने इंस्पायर करने लिए। सो यह आंसर अपने को डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। बाकी तुम पैराग्राफ रीड करके फाइंड कर ही सकते हो आंसर, बहुत ईजी ने। आउट ऑफ द फॉलोइंग हू हैल्प्स टू बिल्ड सिविलाइजेशन? इन विचों कौन है जो सिविलाइजेशन बिल्ड करने विच हैल्प कर दे? तो ये अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन, कॉन्करर्स एंड जनरल्स। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनियम ऑफ इनफ्लेक्टिंग पेन इज़ हीलिंग?
ए ऑप्शन। इनफ्लैक्टिंग पेन का जिहड़ा एंटोनियम विरोधी शब्द हुंदा है वह की हुंदा है हीलिंग। ओके विच वर्ड इन द पैसेज मीनस टू मोटिवेट। टू मोटिवेट का मीनिंग है इन्हां विचों पैराग्राफ विचों किस नाल मैच करता है इहदे इंस्पायर भी हुंदा मोटिव प्रेरित करना। सो टू मोटिवेट का मतलब भी हुंदा प्रेरित करना। अपना नैक्सट क्वेश्चन है सैकेंड पार्ट स्टार्ट हो जाता 11th क्वेश्चन तो ये तुहाडे होणगे टैक्सट बुक के क्वेश्चन जिहड़े उहदे बेस ते होणगे। 11th क्वेश्चन है अपना हाउ डिड हसन इन ब्रेवली फेयर इन द एग्जामीनेशन। किदां दा वो एग्जामीनेशन विच किदां दा बिहेव करता सी मतलब किदां दे वो मार्क्स लैंदा जी कुछ भी। सो इहदा राइट आंसर अपने कोल है डी ऑप्शन गॉट फस्ट क्लास। वो फस्ट क्लास डि हासिल करता सी एग्जाम दे विच। सो डी ऑप्शन अपना हो जाएगा राइट आंसर। 12th क्वेश्चन है अपना वेयर डिड द नरेटर टीच। कित्थे सी जो नरेटर टीच करता सी कित्थे पढ़ाते सी। सो इहदे विच अपने कोल राइट आंसर है एट अ कॉलेज इन बेंगलोर। ठीक है बी ऑप्शन फस्ट चैप्टर ही है अपना। ये अपन क्वेश्चन आंसर सारे पता ही ने मोस्टली कॉमनली सारे पता ही होंगे। बी ऑप्शन है अपने कोल राइट आंसर एट अ कॉलेज इन बेंगलोर। नरेटर का मीन भी होंगे कि जो राइटर है। ठीक है लैसन का राइटर होंगे जो नरेटर कहा जाता उन्होंने। हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी द मार्च किंग। द मार्च किंग स्टोरी का राइटर कौन है यदा आंसर अपने कोल है डी ऑप्शन कैथरीन लिटल बेकलेस। ओके द मार्च किंग स्टोरी का राइटर ने कैथरीन लिटल बेकलेस। नैक्सट है 14th क्वेश्चन एट वट एज डिड फिलिप स्टार्ट टू अटेंड द स्कूल ऑफ म्यूजिक। किन्नी एज दे विच फिलिप ने म्यूजिक क्लासिस म्यूजिक स्कूल है जो अटेंड करना स्टार्ट किया सी। इहदा आंसर अपने कोल बी ऑप्शन 7 एट 7 जदों 7 साल का सी उदों उसने स्कूल किया म्यूजिक क्लासिस लैन लई स्टार्ट कीतिया सी 7। ठीक है ओके 15th क्वेश्चन अपना हु इंट्रोड्यूस डे एंड नाइट मैचिस विद कलरफुल बॉल्स एंड क्लोथिंग। इन्हां नीचे वाले राइटर्स जो 4 ऑप्शन अपने कोल दिते ने इन्हां विचों कौन सी जिन्होंने ये डे एंड नाइट मैचिस विद कलरफुल बॉल्स एंड क्लोथिंग जो इंट्रोड्यूस करवाए सी। तां इहदे विच अपना राइट आंसर है अगेन बी ऑप्शन कैरी पैकर। ओके नैक्सट क्वेश्चन इज द शार्प आइड गर्ल नोटिस दैट मनी लैंडर हैड पुट डैश इन टू द बैग। जिहड़ी तेज़ निगाह वाली लड़की सी उसने की देखा सी कि मनी लैंडर की पा रहा है बैग दे विच। उसने देखा सी वो 2 ब्लैक पैगल पा रहा है। ठीक है सो इहदे विच भी अपना राइट आंसर होगा बी ऑप्शन 2 ब्लैक पैवल्स। जो मनी लैंडर ने सी बैग दे विच दोनों ही ब्लैक पैवल्स पाए सी। ओके 17th क्वेश्चन हु ट्रैम्पल्ड ऑन द राइटर्स टॉय। तो इहदे विच अपना राइट आंसर सी ऑप्शन दी बस कंडक्टर। ओके हु ट्रैम्पल्ड ऑन द राइटर्स टॉय मतलब वो पैर के अंगूठे ते किसने दबा दिता सी वह दी बस कंडक्टर। ओके विद द ओल्ड पीपल द बस कंडक्टर वॉज एज कंसंट्रेट एज अ डैश। भी जोड़े बुजुर्ग व्यक्ति होंगे सी बस के उन्होंने कंडक्टर कहोजा बिहेव करता सी उन्होंने किस तरह ट्रीट करता सी लाइक अ सन। सो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर होएगा और एक बिल्कुल ही उन्होंने बेटे की तरह उन्होंने ट्रीट करता सी। नैक्सट है अपने कोल रीड द लाइन्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पॉइंट के अपने कोल कुछ लाइना दीतियां गई ने इनू रीड करके अपने आंसर करने ने जो क्वेश्चन पुट किए गए। सो अपना क्वेश्चन है हु इज़ द पॉइंट ऑफ दीज लाइन्स। जो ये पोइम है वंस अपॉन अ टाइम इहदा राइटर कौन है। सो 9th अपने कोल आंसर है सी ऑप्शन गैब्रियल ओकेरा। ठीक है इहदा आंसर अपने कोल हो जाएगा सी ऑप्शन गैब्रियल ओकेरा। वंस अपॉन अ टाइम पोइम है जो गैब्रियल ओकेरा दी राइट की हुई है। ठीक है नैक्सट हाउ डिड पीपल लाफ इन द पास्ट। पॉइंट के विच अपन दस्या गया कि पीपल किवें अपने पास्ट के उपर हसते हैं।
विद देयर आईज, ये अपना राइट आंसर है विद देयर आईज एंड हार्ट। ठीक है, आ रहा अपने को बी ऑप्शन च है विद देयर आईज एंड हार्ट। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन है अपने को। नाउ पीपल लाफ ओनली विद देयर, जो हुण व्यक्ति ने अज दे वो केवल किस नाल हसदे हन, तो ये अपना राइट आंसर है ओनली विद देयर टीथ। ए ऑप्शन अवर राइट आंसर टीथ, ओनली विद देयर टीथ, सिर्फ दंदा नाल हसदे हन। 22 क्वेश्चन है वट फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज इन द वर्ड्स देयर आइस ब्लो कोल्ड आइस, तो ये अपना आंसर राइट है 22 का सी ऑप्शन की है ये मैटाफोर, सी ऑप्शन मैटाफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द मोटिव ऑफ मिस बीम इन द लैसन द स्कूल फॉर सिंपथी, द स्कूल फॉर सिंपथी सी सैक्शन का जो फस्ट पार्ट है, ये जो मिस बीम ने जो स्कूल चलाया से उसका मिस बीम का की मोटिव से उस, तो ये है अपने को राइट आंसर ऑल ऑफ दीस, बिकॉज उसके स्कूल चलाने का मोटिव से सिंपली टूवर्ड्स हैंडीकैप्ट, कि हैंडीकैप्ट हमदर्दी टू स्प्रैड काइंडनैस, काइंडनैस वधाया जाए एंड मैसेज ऑफ गुड सिटीजन। ठीक है, ये तीनों ही उसके मोटिव से स्कूल मिस बीम के, सो ऑल ऑफ दिस इज द आंसर है। 24th क्वेश्चन है अपना द राइटर डिस्क्राइब अबाउट अ डार्क गर्ल इन रेड वॉकिंग ऑन क्रचेस हु वॉज दी, जिस बारे राइटर ने डिस्क्राइब किया है वो लड़की कौन सी, की नाम से उसका, उसका नाम से बी ऑप्शन ब्राइल। ओके, बी ऑप्शन अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वट वॉज द हरिकन्स प्रोफेसन, हरिकन से जो प्रोफेसन की से उसका की काम करता से, वो एक गोल्ड स्मिथ से, सो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर इस गोल्ड स्मिथ, एक सुनियार से। 26th क्वेश्चन वट वॉज द जर्नल्स नेम, जो जर्नल से उसका नेम की सी, उसका नेम से जिगालोव, ए ऑप्शन हो जाएगा ये अपना राइट आंसर जिगालोव से जर्नल का नेम। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज़ द नेम ऑफ द राइटर ऑफ द चैप्टर पोली, पोली चैप्टर जो उसका राइटर कौन सी, ये अपने को 27th क्वेश्चन इसका सी के आभास, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन अवर राइट आंसर के आभास सी जो पोली चैप्टर के राइटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डिड टीचर पैटर्ड पोली, सो ये अपना राइट आंसर है अफेक्शनेटली, ए ऑप्शन अफेक्शनेटली। ओके, 29th क्वेश्चन है अपना वट डिड द टीचर गिव पोली, टीचर ने पोली नू की दिता सी, इस दे विच अपना राइट आंसर अ स्मॉल बुक, उन्हें जो पोली ने एक बुक दीती सी ना, सो ये अपना ए ऑप्शन हो गया राइट आंसर ए स्मॉल अ स्मॉल बुक। नेक्स्ट है वट वॉज द रेड हेयर पुलिसमैन नेम, जो रेड हेयर पुलिसमैन सी उसका नाम की सी, उसका नाम सी जेलड्रेन, ए ऑप्शन, जो रेड हेयर पुलिसमैन सी उसका नाम सी जेलड्रेन। ओके, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होया अपना ग्रामर, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने ग्रामर एंड ट्रांसलेशन, 31 to 40 क्वेश्चन है अपने ग्रामर बेस में। ओके, फर्स्ट 31 मनी बैक्स मनी, इसका की मीनिंग है पंजाबी विच, इसका की मीनिंग है, इसका अपने को राइट मीनिंग होता धन नाल धन कमाया जाता है, मनी बैक्स मनी, सो ये अपना राइट आंसर होएगा डी ऑप्शन, धन नाल धन कमाया जाता है। फिर 32 क्वेश्चन वट वॉज द प्रपोजल गिवन बाय द मनी लैंडर, सो ये अपना राइट आंसर है ये एग्जैक्ट पंजाबी की है 32 क्वेश्चन की, शाहूकार वालों दिता गया प्रस्ताव की सी, ये अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन, शाहूकार वालों दिता गया प्रस्ताव की सी, वट वॉज द प्रपोजल गिवन बाय द मनी लैंडर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 33rd क्वेश्चन है
ये पंजाबी टू इंग्लिश ट्रांसलेट है। असी सारे अपने अपने कर्मां दा फल भोगदे हाँ, इसका की होएगा मीनिंग इंग्लिश विच, वी ऑल रेप दी हारवेस्ट ऑफ अवर एक्शंस। ये अगेन अपना सी ऑप्शन राइट आंसर है, वी आर रेप दी हारवेस्ट ऑफ अवर एक्शंस, असी सारे अपने अपने कर्मां दा फल भोगदे हाँ। नैक्सट क्वेश्चन है, मेरी धी का नाम तरमन कौर है, ठीक है, ये अपना राइट आंसर होएगा बी ऑप्शन, माई डॉटर्स नेम इज़ तरमन कौर, ओके, माई डॉटर्स नेम इज़ तरमन कौर। नैक्सट अपने को डू एज डायरैक्ट चूज द करैक्ट ऑप्शन, ऑप्शनस अपने को दतिया गई ने, अपने फिल इन द ब्लैंक्स करनी ने, ओके। 35th है अपने को डैश जैकेट विल डू, इट डजेंट नीड टू बी अ लैदर जैकेट, सो ये अपना राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन, एनी जैकेट विल डू, इट डज़ नॉट नीड टू बी अ लैदर, भी आप कोई भी जैकेट लै सकते हैं, जरूरी नहीं कि लैदर की हो, ठीक है, सो ये आप कोई भी एनी जैकेट, ओके। नैक्सट, डैश पेट्रोल लीक्ड फ्रॉम द टैंक, की ये की आ सकता है अपने को, देखो अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ, बी ऑप्शन अपने को, अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल लीक्ड फ्रॉम द टैंक, वो एक क्वांटिटी एक मात्रा च हो रहा है ना लीक, इसलिए अपने को इतने राइट आंसर है अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल लीक्ड फ्रॉम द टैंक। 37th क्वेश्चन, ही विल डू हिज बेस्ट, चेंज इन टू कंपलैक्स सेंटेंस, कंपलैक्स सेंटेंस चेंज करने अपने 37th नू, अपने को राइट आंसर है सी ऑप्शन, ही विल डू वट ही कैन डू, ही विल डू हिज बेस्ट, कि वो करेगा जिन्ना वो कर सकता है, अपना बेस्ट देगा, ही विल डू वट ही कैन डू, ओके। मूव टू नैक्सट क्वेश्चन, ही इज़ टू वीक टू वॉक, इन अपने रीराइट करना यूजिंग सो दैट, सो नू यूज करना अपने सेंटेंस के विच ते दैट नू, ते द्वारा इसनू वाक बनाना इस तो, ठीक है, ये अपने को होएगा राइट आंसर, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, जस्ट अपने सो ते दैट नू यूज़ करना, तो इनू नैगेटिव सेंटेंस चला जाता हों जो आप सो ते दैट नाल रीराइट करते हैं सेंटेंस नू, सो अपने को राइट आंसर होएगा ए ऑप्शन, ही इज़ सो वीक, वो बहुत कमजोर है, दैट ही कैन नॉट वॉक, ता करके नहीं चल सकता, ठीक है। 39th क्वेश्चन, नरेशन ने दो लास्ट अपने को, शी सैड टू हिम यू आर वेस्टिंग माई टाइम, उसने उसनु कहा कि यू आर वेस्टिंग माई टाइम, इसका अपने चेंज करना नरेशन, तो यदा एग्जैक्ट नरेशन की होएगा चेंज करके बी ऑप्शन, शी टोल्ड हिम दैट, आप जो कोमे हटा दें तो दैट यूज़ किया जाता, ओके, शी टोल्ड हिम दैट ही वॉज वेस्टिंग हर टाइम, माई का चेंज हो गया हर च, यू का चेंज करता उन्होंने ही च, ओके, शी टोल्ड हिम दैट ही वॉज वेस्टिंग हर टाइम, हर शी दे अकॉर्डिंग लग गया, फस्ट जो अपने को सी वो शी च सी, इसलिए अपना माई चेंज होया हर च। नैक्सट लास्ट क्वेश्चन है अपना, द टीचर सैड टू हिम गो आउट ऑफ द क्लास, टीचर ने उसने एक ही किता, एक एक तरह का उसने ऑर्डर दिता है ना, द टीचर सैड टू हिम गो आउट ऑफ द क्लास, उन्हें क्लास तो बाहर जाने का हुक्म दिता, सो ये अपना अगेन राइट हो राइट आंसर होएगा बी ऑप्शन, द टीचर ऑर्डर मी टू गो आउट ऑफ द क्लास, दी टीचर सैड टू मी गो आउट ऑफ द क्लास, कि टीचर ने मैंने कहा कि क्लास तो बाहर चला जा, एक तरह का हुक्म दिता ना उन्होंने, सो इसलिए अपने को इसका नरेशन जो चेंज होकर आएगा, द टीचर ऑर्डर मी गो आउट ऑफ द क्लास, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।